inappropriately touched or being masturbated at by a rickshawwala. But there are subtle ways in which sexual offences hote hai, sexism hota hai. Aur in sabko yaad karke, I'm feeling very disturbed. Request karna chahunga, advice karna chahunga ki aap hamare kalakaron mein se kine chahti hain wo aapka kirdaar kare. Aur aapki mummy ka. आपको स्टोरी के फॉर्म में आकर यहाँ कहने की एक अनुमति मिली, फिर इन्होंने परफॉर्म किया, जिसकी इन्हें कमेंट किया कि यो परफेक्ट फॉर्म नहीं है, लेकिन बहुत सारी स्टोरी तभी हुई थी, लेकिन आज हमको याद आया कि यार ये ऐसा होता है, फिर हम सोचते हैं और ये बहुत ही अलग टाइप का फॉर्म है, मतलब नाट्य संहितेच्या बाहेरची संहिता घेऊन एक वेगळा प्रयोग, एक प्रेक्षकांना बांधण्याचा एक वेगळा प्रयोग, नाटकाशी जोडण्याचा एक प्रयोग वेगळा आहे जो इतर नाटकाच्या फॉर्म मध्ये नसतो, आणि म्हणून त्यांनी जे सांगितलं की चौकटी बाहेरचं हा एक नाटक आहे किंवा चौकटी बाहेरचा हा प्रयोग आहे, आणि त्याला तितक्याच ताकदीनं स्वतंत्रच्या कलाकारांनी या ठिकाणी आपली एक समर्थ अभिनयशैली किंवा अभिव्यक्ती जी आहे ती या पद्धतीने या ठिकाणी सादर केली. इतक्या कमी वेळात त्याला ग्रास करणं आणि तितक्याच अभिव्यक्तीनं सादर करणं, बऱ्याचदा त्या लेखकाच्या डोक्यात असेल त्याच्याही पेक्षा कदाचित चांगल्या पद्धतीने ते आपल्या समोर येतं, आणि म्हणून आपण याच्याशी खूप जोडले जातो. आज सगळ्यांना मी जोडलेलं पाहिलं, शेवटपर्यंत लोक त्याचा एक आनंद घेत होते. कदाचित हा पहिलाच प्रयोग जसं ती म्हणाली पण खूपच चांगला आला, की ज्यामुळं असे अनेक अनेक प्रयोग या पुढील काळात होतील आणि आपणही असा प्रतिसाद द्या. धन्यवाद. थँक्यू. प्लेबॅक थिएटर वहां पर ज्यादा किया जाता है जहाँ पर जो सोसाइटी बहुत ज्यादा सप्रेस्ड है, जहाँ पे जो सोसाइटी एट पीस नहीं है, जैसे पैलेस्टीन में जहाँ जो रेफ्यूजीज थे उनके बीच में कलाकारों के एक टोली ने जाकर प्लेबैक थिएटर किया था, हमने सुना है. इराक में हुआ था, ईरान में हुआ था. लेकिन शायद हमारी जो तकलीफें हैं दे आर कोटेड विद अ वेरी स्वीट कैप्सूल, मतलब हम लोग उसके सीरियसनेस को रियलाइज नहीं करते. और मैं अभिजीत सर को सचमुच धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर आने के लिए बहुत करेज लगता है. शायद हम सब में वो पहले मोमेंट पे नहीं था कि क्यों प्लेबैक थिएटर, इतना कहाँ हमारे यहाँ कहाँ वॉर चल रहा है या कहाँ हम लोग. लेकिन जब सर ने समझाया कि देखो कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी सारी तकलीफें हैं जो समाज में जीने वाला हर एक व्यक्ति कभी ना कभी गुजरता है जिससे, और थिएटर क्यों ना एक प्रभावी माध्यम इस तरीके का हो कि जहाँ पर जैसे मैंने कहा कि इस तरफ का कलाकार एक साथ है, हम सब लोग एक बन जाए और कुछ यहाँ पर घटे इस रंगमंच को साक्षी रखकर, तो मेरे ख्याल से उससे बड़ी खुशी कोई और नहीं. और जितना कि आप हमें क्रेडिट दे रहे हैं हम उतना ही क्रेडिट आपको देना चाहते हैं. हम सब आपके लिए जोरदार तालियां बजाते हैं. पता नहीं क्या कैसे होगा. मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपनी कहानी दर्शकों तक पहुँचाई, बताई. तो उन पांच कहानियों को मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, और इन कलाकारों को भी जिन्होंने इतने बेहतर तरीके से कोशिश जरूर की है आपको पहुँचाने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शाम.